जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है आयु संबंधी प्रश्न। तो आयु से संबंधी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव के लिहाज से, तो फटाफट जरूर लगाइएगा हमारे साथ और इन क्वेश्चंस को दिमाग में डाल लीजिएगा, पेपर में यहीं से आएगा, ठीक है जी। तो फटाफट ध्यान से पहला क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा सभी प्यार से बच्चों। ए और बी कि वर्तमान आयु जो है उसका योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए और बी, यानी कि ए और बी जो हैं वो 22 साल के हैं, मतलब इन दोनों की जो एज है, दो बंदे हैं दोनों की उम्र जोड़ रहे हैं तो वो कितनी एज है, 22 वर्ष है उनकी वर्तमान आयु का योग। अब आगे बोला है ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए जो है वो बी से, यानी कि बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यानी कि ए जो है वो बी से, जैसे मैं आपसे 4 साल बड़ा हूं, अगर आप अगर एक्स हैं तो मैं क्या हो गया, एक्स प्लस 4, यानी कि आपकी एज में से प्लस मेरे 4 साल जो हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो वैसे ही ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु बताएं। तो आपने क्या करना है, बी की ये जो वैल्यू है वो इसकी जगह पुट कर देनी, बस कुछ नहीं करना है, पुट कर दीजिए। ए प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 22, इतना क्लियर है, ठीक है। ए प्लस ए कितने हो गए प्यारे बच्चों, 2a है ना, 2a, और 4 उधर गए तो माइनस हो जाएंगे, तो 22 में से 4 गए कितने बच गए, 18। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/2 और 2 9 18, तो a की एज कितनी आ जाएगी, 9 साल। a की एज कितनी आ जाएगी, 9 साल। बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने है, मगर ये तो आ गई उस वक्त की एज, मगर अब उन्होंने पूछी थी वर्तमान एज, क्योंकि आपको पता है वो तो एक्स ए की वैल्यू आई है 4, ठीक है। अब इसमें आप प्लस 4 कर लेंगे तो 9 4 13, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 13 साल। कितनी हो जाएगी जी, 13 साल हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सभी अपना जो है कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रमेश और गणेश, नेक्स्ट है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, मतलब वही रमेश और गणेश, यानी कि प्लस गणेश, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है वो देखना है आपने, 28 ईयर के, क्लियर है। इसके बाद गणेश जो है वो 6 वर्ष छोटा है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अगर रमेश से छोटा है, गणेश जो है वो रमेश से छोटा है, तो इसका अर्थ हुआ कि रमेश बड़ा हुआ किससे, गणेश से, जो कि इन दोनों का जो फर्क है वो कितने का आ गया, 6 साल का, ठीक हो गया। गणेश रमेश से क्या हुआ, 6 वर्ष छोटा है, तो इन दोनों का यानी कि फर्क कितने साल का आ गया, 6 साल का आ गया, ठीक है। या ऐसे नहीं रखना दिमाग में, तो दूसरे तरीके से बताता हूं, एक और तरीका भी है, सिंपल सा तरीका करना है हमने, कोई क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है, ठीक है। अगर हम मानकर चल लेते हैं कि जो रमेश है वो हमारा एक्स है, ध्यान से लिखना, रमेश जो है वो एक्स है, तो गणेश क्या हो गया, क्योंकि इन दोनों की योग है तो इसलिए एक्स माइनस
सिक्स हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं क्वेश्चन को। अब बोला है इन दोनों की एज, इन दोनों की एज यानी कि रमेश की एक्स, गणेश की क्या हुई एक्स माइनस सिक्स, तो दोनों का योग कितना हुआ अट्ठाईस। एक्स एक्स क्या हो गया टू एक्स माइनस सिक्स इजिकल टू अट्ठाईस, छह उसमें प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा अट्ठाईस में छह डाल दीजिए चौतीस, तो x किसके बराबर हो गया चौतीस बटा दो, दो एकम दो, दो सते चौदह। बिल्कुल अनुज बिल्कुल, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई सेवन आ गई। तो अब हमें एज किसकी निकालनी है, गणेश की निकालनी है प्यारे बच्चों, किसकी निकालनी है गणेश की। और आपको पता है गणेश छह साल छोटा था रमेश से, ठीक है पता रखना है आपको किसको, आपको ध्यान से ठीक है, कि सतारह माइनस छ करना ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो उससे छोटा है। तो कितनी एज आ गई प्यारे बच्चों ग्यारह वर्ष आ गई, कितनी आ गई ग्यारह वर्ष आ गई, ये ही इसका सही आंसर है। आई होप कि आपको सबको ये क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से तगड़े क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए टीना मीना की वर्तमान आयु जो है मैं पांच वर्ष का अंतर है, कितने साल का अंतर है पांच साल का अंतर है। आगे यदि मीना की आयु टीना की आयु की तीन बटा चार हो, कितनी हो तीन बटा चार हो, ठीक है क्या बोल रहे हैं मीना जो है वो टीना की आयु की तीन बटा चार हो, यूं बोला है ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मीना ओवर टीना, जैसे हम करते थे रेशो में मीना ओवर टीना किसके बराबर हो गया तीन बटा चार, ये मीना हो गई ये आपकी टीना आ गई ठीक है, यानी कि थ्री रेशो फोर होगी ठीक है। अब बोला है इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो पांच साल के बराबर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आया वन के बराबर आया है ना वन, तो वन बराबर है फाइव। कुछ और होता जैसे टू होता थ्री होता तो हम क्या करते वन निकालते, मगर यहां पे वन है तो ये फाइव लीजिए इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा पंद्रह और बीस। तो हमें आयु किसकी चाहिए थी टीना की, और टीना हमारी कहां पे है ये चार नंबर वाली, यानी कि चार नंबर वाली ये बीस, तो आपका सही आंसर क्या आएगा बीस साल। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, ओके है कोई कमी आएगी दोबारा से वीडियो को देखिए, बार बार पीछे करिए बैक और फिर बार बार देखिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, सेम सवाल है लगाने की कोशिश करिए। दो तिहाई का मतलब होता है दो बटा तीन, याद रख लेना दो तिहाई का मतलब होता है दो बटा तीन, यहां पे दो तिहाई हो। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए, सबसे पहले कौन आंसर देता है देखते हैं, सभी ट्राई करिए सभी ट्राई करिए, मैं मौका देता हूं सभी को, अपना कमेंट आंसर छोड़िए क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो ही तो प्रैक्टिस होगी। अगर मैं ही सभी के सोल्यूशन दूंगा कोई इश्यू नहीं है, मगर साथ साथ में आंसर जरूर लगाइए, सभी साथ साथ में आंसर लगाइए और आंसर निकालिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा देखिए, सोनी और मोनी नहीं मोनी और सोनी, मोनी जो है वो सोनी का क्या है दो तिहाई है, यानी कि दो बटा तीन है। तो मोनी ओवर सोनी जो है वो किसके बराबर हो गया दो बटा तीन, यानी कि मोनी हो गया ये सोनी हो गया, ठीक है सबको क्लियर है, इतना क्लियर है होना भी जरूरी है जी। अंतर दिया है बच्चों, डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस हमें इस रेशियो का लेंगे तो थ्री रेशियो वन यानी कि वन, तो वन इक्वल टू सेवन क्योंकि सेवन के इक्वल दिया है, तो सेवन से डायरेक्ट आप क्या ले लेंगे क्योंकि वन कर दिया हमने उसको, तो सेवन से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया फोर्टीन और ट्वेंटी वन।
और आपको किसकी एज पूछी है, सोनी की, और सोनी नीचे वाला फिर से आ गया यही, तो इसलिए आंसर कितना आएगा 21। बताएं क्लियर है सबको, ओके है, रिपोर्ट ओके चाहिए है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, रहीम और करीम, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रहीम और करीम की आयु का जो योग है वो 65 वर्ष का है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो हैं, इन दोनों की बात करें, रहीम करीम की, किस किस की, रहीम और करीम, और इनकी एज जो है वो कितने का है, 65 इयर्स का है, ठीक है। अब बोले 10 वर्ष पहले की बात आ रही है, अब यहां पर क्वेश्चन अटपटा हो जाता है ना, तो बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में जो है 5 वर्ष का अंतर था, कितना था, 5 साल का अंतर था, तो करीम की आयु बताइए। अब 10 वर्ष पहले की बात है, कितने साल का अंतर था, 5 साल का अंतर था दोनों में, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं है, हम ए को एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, फिर ही चल पड़ेगा हमारा क्वेश्चन। यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 5। कैलकुलेट किया, 2x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 35। अब आपको बताया है इन्होंने कि x प्लस वाई जो है वो 65 के बराबर है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 65, y इज इक्वल टू 65 माइनस 35, दैट्स इक्वल टू 30। तो यानी कि एक आपका होगा 35 साल का, दूसरा होगा 30 साल का, कितना होगा, एक 35 साल का और 30 साल का, और आपसे पूछा किसका है, करीम का, और करीम को हमने क्या माना है, y, तो y की वैल्यू होगी 30 साल, तो ये आपका हल रहेगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये जो मेथड मैंने यूज किया है इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो कि हमारे 10th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, ठीक है, और 3 वर्ष बाद दोनों का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो आयु ज्ञात कीजिए। सभी आंसर करने की कोशिश करिएगा, सभी अच्छे से आंसर दीजिएगा, बढ़िया से। सभी ट्राई करिए, ट्राई करिए जी। देखिए हम मान लेते हैं, मैं बता देता हूं, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लीजिए, ठीक है। अब बोला है 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का क्या मतलब होता है, माइनस, तो यहां से माइनस, यहां से माइनस, क्योंकि दोनों में जो है, जैसे दो व्यक्ति हो तो उनमें अगर आपस में बात हो रही है तो 2 साल का क्या आ रहा है, गैप की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों में ही पिछले 2 साल की बात है। तो अगर मैं अपने, मेरे पिछले अगर 2 साल कम होते हैं, अगर मैं 40 का हूं तो 38 साल की बात हो रही है, अगर मेरा बेटा 10 साल का है तो उसकी भी 8 साल की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए -2 -2। और इन दोनों की आयु का योग 18 वर्ष था, यानी कि इन दोनों की आयु का कितना था, 18 वर्ष। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 18 प्लस 2, यानी कि x प्लस वाई हो गया आपके 22, कितने हो गए, 22 हो गए। अब बोला 3 वर्ष बाद, बाद होता है तो प्लस होता है बच्चों, दोनों की आयु का जो अंतर है
वो दो वर्ष हो जाता है, अंतर होता है डिफरेंस, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, जो कि दो के बराबर है। तो x प्लस थ्री माइनस वाई माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, ठीक है जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू दो। अब यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर भी हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कैंसल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस 12 को लो और इधर पुट कर दो या इधर किधर भी कर लो, मर्जी आपकी है जी। 12 प्लस वाई इक्वल टू 22, ये इस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा, जो कि हमारा 10 के इक्वल आएगा। और पूछा किसका था, बड़े बच्चे की आयु, बड़ा बच्चा आपको पता लग रहा है कौन है, 10 वाला कि 12 वाला? 12 वाला बिल्कुल सही रहेगा, है ना जी, 12 वाला ही रहेगा, क्योंकि बड़ा दिखना है ना, बड़ा ही पूछा है, तो बड़ा कौन है, 12 साल वाला, 10 वाला तो हो ही नहीं सकता मेरे भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होना था। नेक्स्ट टाइप के पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन, एक और टाइप। ए और बी की वर्तमान आयु में जो है 5:4 का अनुपात है, कितना है, 5:4 का है। दो वर्ष पूर्व उनकी आयु 4:3 का हो जाएगा। क्या है, ए और बी है, जैसे ए और बी है, अनुपात में बात कर रहे हैं, तो उनका जो अनुपात है वो है 5:4, जिसको 5x/4x माने। दो वर्ष पूर्व, पूर्व का क्या मतलब होता है, पहले की बात, और पहले है यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने -2 -2। वो अनुपात क्या बन जाएगा, 4:3 यानी कि 4/3। इतना क्लियर है तो सभी कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना जी। और आपको पता ही है रेशियो इन्होंने जो हमारे पास दिया है वो 5:4 दिया, ये दिमाग में रखना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, 5 × 3 = 15x, 3 × 2 = 6, 4 × 4 = 16x, 4 × 2 = 8, कितना आ जाएगा, -6 + 8, 16x - 15x, एक्स यानी कि 2 आ गया, ठीक है। ये 2 लीजिए और इससे इससे आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कुछ नहीं है। तो कितना आ जाएगा जी, 1 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 1 हो जाएगा 8। पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु, तो ए ये है, तो 10 साल आंसर हो गया, बोलो ठोको लाइक, है ना। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन मैं बताता हूं, आपको कोई इशू नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये मेथड ना करना हो तो अल्टरनेट में मेथड बता रहा हूं, आप इस मेथड को भी लगा सकते हो, ठीक है, ध्यान से देख लेना, मेथड बहुत ही तगड़ा मेथड है। देखिए ए और बी है, इसकी रेशियो क्या दी है, 5:4, क्या दी है, 5:4, दो वर्ष दिए हैं और वो बदला हुआ अनुपात दिया हो। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको उसी की निकलेगी, जैसे कि आप ए की चाहते हो तो ए की निकलेगी, बी चाहते हो तो बी की निकलेगी, आप इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। ए से है तो ए का अनुपात कितना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, थोड़ा और बेहतर जो है आपके लिए अच्छा सा दिख जाए। ये देखो ए की रेशियो है 5, ईयर कितना था, 2 साल, ये है, बदला अनुपात क्या था वो आपस में माइनस कर लीजिए, और क्रॉस में भी माइनस कर लीजिए, वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए भाई, 4 × 16, 5 × 15, अब कितना आया, 10, यहां से बचा 1 और यहां से भी 1, 10 डायरेक्ट ठा करके आंसर आ गया भाई। अगर आपको समझ आया ना वीडियो में तो जरूर बताना कौन सा आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अब बोलते हैं सर बी का भी बता ही दो, मैं बी का भी बताऊंगा। बी की मेरे प्यारे बच्चे रेशो क्या है आपकी, 4 है, ईयर क्या दिया है, 2, बदला अनुपात माइनस कर दीजिए, क्रॉस में भी माइनस कर दिए, सेम प्रोसेस रहता है, बस अनुपात ही बदलना होता है, ठीक है। तो 4 × 2 = 8, 4 − 3 = 1, इधर से भी 1 आ गया आंसर 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आपने अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो करके दिखाना है मुझे, ठीक है,
और आपने बताना है कि ये क्वेश्चन कितना आपको समझ आ रहा है। ठीक है, करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके दिखाइए जी, क्वेश्चन कितना समझ आया है, आंसर बताएं सीधा ठा करके। पिता की आयु पूछी है, पिता की आयु, सभी ट्राई करिएगा, पिता की आयु बेटा, पिता की आयु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। पिता की आयु बताएं क्या होगी, पिता की आयु ट्राई कर लो। समय समाप्त, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में समय नहीं होता पेपर में, है ना। तो पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो पिता है तीन और ये है एक, ठीक है। तो इसको मैंने बताया है 3x और 1x हो जाएगा। अब बोला है 5 वर्ष बाद, बाद होता है तो प्लस हो जाएगा, है ना, पूर्व हो तो माइनस हो जाएगा। 7:3 यानी कि 7/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 3 9x, 15 = 7x 35, ठीक है। 9x - 7x = 35 - 15 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10। ये 10 लिए, इससे इससे मल्टीप्लाई किया तो पिता निकल गया 30 का, पुत्र हो गया 10 का। मगर इन्होंने पूछा क्या है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला है इसलिए -5 दोनों में कर लीजिए, ठीक है। 5 5 गए तो कितना रह गया, 25 और ये 5। अब पिता की आय एज पूछिए, इसलिए 25 साल का पिता होगा। यही आपका सही आंसर है बच्चों, यही आपका सही आंसर है। इस प्रकार से आपको ट्राई करना था, और नहीं तो मैंने दूसरा रेशियो भी बेहतर बताया आपको, उसको भी ले लेते हैं, कलर चेंज करके एक बार देख लेते हैं। क्या लिखना था, 3 1 5 साइड में 7 3। पूछा कौन है, पिता, पिता कौन है, जिसकी रेशियो बड़ी, बड़ी रेशियो यानी कि 3, तो 3 लिख लो बच्चों। उसके बाद क्या करना है, ईयर लिख लो, बाद पूर्व का कोई सीन नहीं है, ट्रिक बड़ी तगड़ी है। बदला अनुपात डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह स्टेप लगा लो, क्रॉस में माइनस कर लो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 3 3 9 7 7 1 7 1 7, ठीक है, और ये आएगा 7 आ जाएगा, है ना। 5 3 15, यहां से कितने बचे, 2, यहां से भी बचे 2, 2 से 2 गए कितने बचे, 15, कितने बचे, 15, कहीं पे मिस्टेक होगी, 4, ये 3 के आगे कितने बचे, यहां पर आने थे आपके 4, 2 2 4 और 15 2 30, कितने आने थे, 30 आया ना, 30, ठीक है बच्चों। और 5 वर्ष पूर्व पूछा है, इसलिए -5 किया तो आ गया 25, दैट्स इट। तो इससे क्या है, इस ट्रिक से स्टेप कम और समय भी कम, तो इसको भी ट्राई आप करिए, और बहुत अच्छे से आपको जो है ये टाइप्स और ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये क्वेश्चंस आज के जो हैं बहुत अच्छे थे, बेहतर थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, क्लासेस के साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी नौकरी जो है वो सुनिश्चित करनी है। तब तक के लिए खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ज्यादा ही होगी।